अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए लाई हूँ समर और ईद कलेक्शन के हवाले से गर्ल्स के ड्रेसेस। बहुत ही खूबसूरत और क्यूट क्यूट से और ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग वाले सूट हैं। तमाम शर्ट्स की डिज़ाइनिंग तो बहुत ही प्यारी हैं। ईद वाले दिन हर लड़की को, हर औरत को बनने संवरने का शौक़ होता है, क्योंकि इनका इतना प्यारा सा त्यौहार होता है और वो चाहती हैं उस दिन हमारे हम घर में प्यारी भी लगें, अपने काम में मशगूल हों, और ये दिन हमारे लिए इतना बाबरकत सा होता है, हमारी खुशियों वाला दिन होता है। तो इस दिन हम क्यों ना एंजॉय करें, अपने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहनकर भी और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपने घर वालों को खुश कर उनकी मतलब कि उनकी मज़े के लिए, उनके उनको खुश करने के लिए, उनका दिल खुश करने के लिए। खुद भी त्यारा सा तैयार होती हैं, प्यारा प्यारा सा, और उनके लिए मज़ेदार डिशेस तैयार करती हैं और अपना ड्रेस ऐसा पहनती हैं जिस जो कंफर्टेबल भी रहे, जिसमें बंदा इजी होकर तमाम किचन के काम भी कर सके और खुश खुश नज़र आता है हुआ, बहुत अच्छा लगता है। और उस दिन ज्वेलरी के साथ मैं कभी हल्का फुल्का किया हुआ बहुत प्यारा सा लगता है। लाइट लाइट ब्राइट ब्राइट कलर तो बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ। और चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद करती हैं अक्सर गर्ल्स और वुमेंस। सुहागन की अलामत चूड़ियाँ और कानों में बालियाँ होती हैं, बड़ी औरतें कहती हैं सुहागन के हाथ में चूड़ियाँ और कानों में बालियाँ होना ज़रूरी है। नोज़पिन भी बहुत प्यारी सी लगती है। ईद वाले दिन हर औरत चाहती है कि मैं बहुत आम दिनों से हट कर नजर आऊँ, तो उस दिन का वो ड्रेस बहुत प्यारा सा पहनना पसंद करती है। दुपट्टे भी बड़े प्यारे प्यारे से लेती हैं, क्योंकि ईद वाले दिन नमाज के बाद दुपट्टा इतना खूबसूरत सा लेना ही पसंद करती हैं कि नमाज भी पढ़ी जाए उस दुपट्टे में और हम खूबसूरत भी लगें और दुपट्टा भी कीमती सा हो। इसलिए ईद वाले ड्रेस को की सबसे बड़ी पहचान पहले दुपट्टे को देखा जाता है कि ये ईद का ड्रेस है, तो हम इसका दुपट्टा भी खूबसूरत सा लें, क्योंकि नमाज के वक्त बड़ा सा दुपट्टा उड़ा हुआ प्यारा भी बहुत लगता है। आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली रूटीन की तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप फ़ायदा उठा सकें हमारी तमाम वीडियोस से जो हम डेली की रूटीन में लेकर आते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस रोज़ नहीं ला सकती, सिर्फ 4 लेकर आती हूँ, जिसको आप इंजॉय करें भरपूर तरीके से, आइडियाज़ वीडियो और ट्यूटोरियल्स भी हों बेशक से उसमें। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर ईद ड्रेसेस हैं। कुछ लोगों के यहाँ ईद के फ़ौरन बाद शादियाँ होती हैं और वो चाहती हैं कि ईद का ड्रेस कुछ इस तरह से तैयार कर लें कि वो ईद वाले दिन थोड़ी सी देर पहनने के बाद हम जब किचन में जाएं चेंज कर लें और कंफर्टेबल सा ड्रेस रहें, और वही ड्रेस जो हमने पहले पहना है नमाज के लिए वो हम किसी फंक्शंस में भी पहन लें, शादियों में या किसी पार्टी वेयर पर। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हर कोई बनाना अपनी शर्ट्स की ईद के मौके पर ख़ास तौर पर पसंद करती हैं। गर्ल्स चाहती हैं जो हमारे फ्रेंड्स देखें हमारा ईद का ड्रेस तो वो भी बहुत खुश हों और इन्जॉय करें, और अपने मिलजुल के तमाम फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ पिक्स भी बनवाती हैं और खुश होती हैं, वीडियो कॉल पे अपना ड्रेस दिखाती हैं, अपनी शॉपिंग दिखाती हैं, चांद रात को इन्जॉय करती हैं। और कुछ माएँ अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ इतना खुश नज़र आती हैं कि अपना ड्रेस और उनका बच्ची का ड्रेस भी सेम बनाना पसंद करती हैं, खूब इन्जॉय करती हैं और लोगों को खुश करने के लिए, अपने आप को दिल खुश करने के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए उनके मतलब की चीज़ें बनाती हैं। ये ड्रेसेस की आज वीडियो आपको कैसी लगी ईद के हवाले से, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं और बहुत ही खूबसूरत। कुछ लड़कियों की शादी ईद के फ़ौरन बाद होती है, तो वो कैजुअल तौर पर आम घर मिलने जुलने जाने के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस को तरजीह देती हैं। वो चाहती हैं हमारे ड्रेसेस इस तरह के हों कि कहीं हम जाएँ तो पता चले हमारी अभी शादी हुई है, इतना प्यारा सा कंफर्टेबल सा कैजुअल ड्रेस हम पर सूट कर रहा है और देखने वाला भी तारीफ़ ज़रूर करे, और कि वाकई पता चल रहा है कि आपकी शादी हुई है और ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है, और कलर देखें कितने खूबसूरत हैं जो आपने ड्रेस पहना हुआ है। क्योंकि काम वाले सूट वैसे भी बहुत ही प्यारे प्यारे से लगते हैं, और गर्ल्स चाहती हैं हम डिफरेंट डिफरेंट से कलर पहने, चाहे कंट्रास्ट दुपट्टे के साथ हो या खूबसूरत सा कामदार सा सूट हो, पेपलम फ्रॉक के साथ बेल बॉटम जामावार का पहनना भी पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे से लगते हैं ये ड्रेसेस। वाइट कलर आजकल बहुत इन है, और ज़्यादातर गर्ल्स वुमेंस वाइट कलर एंड लाइट कलर का बहुत ही शौक से बना रही हैं, पहन रही हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहता है मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का और आपकी राय का।
आपकी राय का इसलिए पूछती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो गया और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी तरह के टॉपिक पर लेकर आऊँ, और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कि वो वीडियोज़ हों, आइडियाज़ वीडियो आपके ड्रेसेस के लिए, और आप बहुत पसंद करें और उस तरह से फ़ायदा उठाएं, और इस तरह के ड्रेसेस देख के अपने टेलर को भी दिखाएं कि हमने ये ड्रेस इस तरह से स्टिच करवाना है, ये हमने मार्केट से इस तरह लिया है और आप इसे इस तरह से डिज़ाइन से स्टिच कर लें। लेकिन कुछ गर्ल्स चाहती हैं हम बहुत अच्छे से बुटीक से ब्रांड से फुल सूट ही स्टिच ले लें ताकि हमें परफेक्ट मिल जाए और जल्दी में, इतना खूबसूरत चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो लेना पसंद करती हैं, और उनकी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा काम पर होती है। अगर आप स्टफ पर गौर करें, सिर्फ जो ब्रांड आजकल आ रही हैं उनका स्टफ तो बहुत ज़बरदस्त है, जो हल्की फुल्की मार्केट से लोकल वैरायटी लेते हैं उनके स्टफ में इतनी पायदारी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उसमें भी खूबसूरती अंदाज से अपने ड्रेस बनाना पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने ईद पर और एक दो फंक्शंस में ही तो पहनना, क्यों ना इसकी खूबसूरती नुमाया होनी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं हम कपड़े को तरजीह दें। हर तरह से हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से, तो ये इंसान अपने अपनी जेब को देख के भी कुछ कभी कभी सोचना पड़ जाता है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके हर जायज़ हाजात कबूल व मंजूर हो, जो आपके हक में बेहतर हो, जो दूसरों के हक में बेहतर हो, और जिस जिसमें जिसकी भी भलाई हो, एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जाने कब किसकी ज़बान से किसके लिए कौन सी दुआ पूरी हो जाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, मेरे इस काम में तरक्की हो, बरकत हो, कामयाबी हो। अल्लाह हाफिज़।